यो थारा भाई जोगिंदर, थारे भाई जोगिंदर ने कल कटिंग कर भाई। तू के ये कंपटीशन करती रहती मेरे से यार। अब इसने मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट किया, इसने भी चालू कर दिया। ये पता क्या सोच रही है, इसके साथ मैं भी फेमस हो जाऊंगी। ऐसा तो पहले कौन आया था ये बताओ, पहले कौन आया था ये? पहले मैं आया था, मेरी डेट ऑफ बर्थ 93 है तेरी। तो आप में दिमाग बाद में आया था, आप तो 2 साल पहले आ गए हो यूट्यूब पे। इनके अंदर 2 साल सही लग रही है ना, है ना है। छोटी फौजी वाली भाई, अगर तुम्हारी बीवी सही ना हो ना तो जिंदगी झंड हो जाती है और हमारी किचन पूरी गंदी पड़ी रहती है। और एक चीज होती है आपको दिखाने के लिए, देखो ये स्पेशल ब्रेड बनाया है मेरे लिए किसी ने। यार जब भी मैं फ्लाइट पे जाता हूँ खुद का खाना बना के लेके जाता हूँ, उधर ही रहे। तो जब भी मैं फ्लाइट पे जाता हूँ खुद का खाना बना के लेके जाता हूँ। सबसे इजी रेसिपी मेरे को सैंडविच की लगती है, क्योंकि मेयोनी रेडीमेड आती है और खीरे प्याज राखी काट देती है। और दूसरी रेसिपी वो है मैगी की, जो 2 मिनट में तैयार हो जाती है। मैगी लेके नहीं जा सकता हूँ, मैं सैंडविच लेके जा सकता हूँ। लास्ट फ्लाइट में मैं लेके गया था भाई, मेरे को एक केबिन क्रू ने ना रेसिपी भी पूछी थी, तो सच में थी। तो मैंने उसको बोला कि सर रेसिपी बता दो। मैंने कहा तू एक काम कर, अपना नंबर दे दे, मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। तो भाई वो हंस के चलेगी, नंबर नहीं देगी कहीं मेरे को। कोई नहीं, आज ट्राई करते हैं। तो भाई ये मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं है और सारी मेयोनी निकल जाएगी इसके अंदर से बाहर। तो हाँ ब्रेड ये मैं साइड से ना ये निकाल देता हूँ, ये तो इससे थोड़ा अच्छा लगता है खाने में भी नहीं, बहुत हार्ड होता है। तो किसी को दो तो कम से कम वो सोचे ना कि हाँ बंदे ने स्पेशल बनाया है, बड़ी मेहनत करके बनाया मेरे सैंडविच। भाई कमेंट करना कैसे बने, क्योंकि मैं बहुत कम किचन में आता हूँ यार। मैं अभी ऑलमोस्ट रेडी हूँ, टाई मैंने लगाई नहीं है, मेरी आईडी नहीं पहनी कंपनी आईडी, क्योंकि मेरे को भाई थोड़ी सी घुटन होती है। और क्योंकि मेरे घर से लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाता है, मैं लगभग 3 घंटे पहले रेडी होना स्टार्ट होता हूँ, 1 घंटा मेरे को रेडी होने में चाहिए होता है और 2 घंटे मेरे को रास्ते में लगते हैं, क्योंकि यहाँ से मैं जाता हूँ अपनी गाड़ी से, आप लोगों को पता है। और मेरा बेस कोचीन है, दिल्ली भी नहीं है, तो इसलिए भी मैं थोड़ा जल्दी निकलता हूँ, क्योंकि यहाँ के कैप्टन को मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता नहीं हूँ, बहुत कम मैंने उनके साथ फ्लाई किया है। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब प्रणाम सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड माय यूट्यूब चैनल पायलट ऑन बोर्ड। यार मेरे एक किसी ने बहुत प्यारा सा क्वेश्चन किया था कि यार ये आप क्या बोलते हो, हमें कुछ समझ में नहीं आता। भाई देखो मैंने अपना खुद से, एक दिन मैं बैठा था ऐसे ही, तो मैंने सोचा यार कुछ तो अपना ऐसा हो, कुछ तो सिग्नेचर। आज तो मैं लोग नहीं जानते, अलग बात है कल को शायद जानने लगे, तो कुछ तो तुम्हारे पास ऐसा सिग्नेचर हो ना कि हाँ ये बंदा ये बात बोलता है भाई, और हर वीडियो में बोलता है, तो लोगों की जवान पे चला जाए। और मेरे को ना थोड़ा सा तो अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो लोग ये नोटिस कर रहे हैं, और लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई है क्या। तो यार मैं तुम्हें ना बहुत स्लोली बोल के बताता हूँ कि मैं बोलता क्या हूँ। तो मैं बोलता हूँ हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब प्रणाम। तो हर लैंग्वेज में मैंने ट्राई किया है कि सबसे ग्रीट ना उनकी लैंग्वेज में करूँ। तो मुझे नहीं पता यार आप लोगों को कैसा लगता है, पर मैं जब भी ये बात बोलता हूँ ना सीरियसली मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, आगे भी बोलता रहूंगा। तो यार पूरी फैमिली में से ना मैं अकेला पायलट हूँ अपने रिश्तेदारों में से जो निकल के आया हूँ भाई, और मेरा कोई भी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है एविएशन से, ना कोई मैं पॉलिटिकली स्ट्रांग हूँ। तो मेरा बेस है कोचीन, और क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि इंडिया में चलता है जुगाड़, और इंडिया में ज्यादातर एयरलाइन ऐसी जिनमें मतलब ठीक ठाक है काम आपका बिना जुगाड़ के हो जाता है, लेकिन कुछ एयरलाइन ऐसी हैं जिनमें जुगाड़ चलता है। एक भी एयरलाइन का मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे को अपनी नौकरी खराब नहीं करनी है। तो यार क्या है कि मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे रह गए और भाई कुछ को जाना पड़ा। तो अगर आप पॉलिटिकली स्ट्रांग हो, आपका कोई अच्छा बंदा है जिसकी खूब चलती हो, या फिर आपकी फैमिली में से किसी मतलब सीनियर लेवल पे मैनेजमेंट में पायलट बैठे हैं, तो भाई आपको जहाँ चाहिए वहाँ बेस मिल जाता है। हम जैसे लोगों को जाना पड़ता है बाहर, तो मिनिमम 1 साल है हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट। कुछ एयरलाइन जैसे इंडिगो का 6 महीने है, वो अपने पायलट्स को ना 6 महीने बाहर भेजते हैं, और फिर जब उन्हें रिक्वायरमेंट होती है ना उनके होम बेस पे भेज देती है अगर रिक्वायरमेंट हो, अदरवाइज चलता रहता है। 6 महीने भी हो जाते हैं, साल भी हो जाता है, 1.5 साल भी हो जाता है, और हमारी कंपनी में तो कुछ पता नहीं है भाई कि साल रुकना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को लगभग 8 से 9 महीने हो गए हैं, और 3-4 महीने बाद देखते हैं अगर हमारा बेस चेंज होता है। तो एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा ये है कि भाई आप कोई क्रिटिकल सेक्टर जैसे दिल्ली में है तो लेह है, लेह श्रीनगर है, जम्मू है, पटना है, तो ये क्रिटिकल सेक्टर है, तो इनके पायलट कम होते हैं, तो जो भी इन इन सेक्टर्स को क्लियर कर जाता है तो उनको भी बेस
दिल्ली मिल जाता है। तो मैं तो भाई मैंने तो बहुत ट्राई किया था कि मेरे को दिल्ली मिले, लेकिन हम इतने खुश नसीब नहीं है। यहाँ भी लगी हुई है, लोगों ने देखो गाड़ी फंसा रखी है यार, और ऊपर भी आप देख सकते हो गाड़ियाँ वापस आ रही है। आज बस लेट ना हो जाओ भाई, जाम से तो निकल गया हूँ, बस आगे जाम ना मिले फ्लाई ओवर उतर के, क्योंकि एक बंदा ना आज मेरे साथ ट्रेनिंग पे भी जा रहा है मेरी फ्लाइट में। मैं तो नहीं पहुंचूंगा कोई बात नहीं भाई, उसकी ट्रेनिंग हट जाएगी बेचारे की मेरी वजह से। भाई जाम मिला नहीं है, देखो यहाँ पे ना काम चल रहा है, इस वजह से ना ये रोड का सफाई चल रही है, कोई जरूर कोई ना कोई नेता आ रहा है, नहीं तो कौन करता है रोड की सफाई। मैं कर रहा हूँ अपनी गाड़ी का वेट, ये भैया थोड़ा आगे निकल गए थे और अब आए, पीछे मैंने फोन किया था। चलो जी, मेरे को अभी दिल्ली बेस चाहिए नहीं, क्योंकि दिल्ली से फ्लाइंग बहुत कम है, और जो मेरा ओरिजिनल बेस है ना कोचीन, वहाँ से फ्लाइंग बहुत अच्छी है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो हमें अभी सैलरी मिल रही है ना वो हमें आर्ली आर्स के हिसाब से, जितने घंटे हम फ्लाइंग करेंगे उतनी हमें सैलरी मिलेगी। तो और मैं तो चाहता हूँ ना कि ज़्यादा घंटे फ्लाई हो, क्योंकि कोचीन से सारी इंटरनेशनल फ्लाइंग है, तो वहाँ से अच्छे खासे घंटे बन जाते हैं और सैलरी भी ठीक ठाक आ जाती है। तो आज जो मैं फ्लाइट ऑपरेट कर रहा हूँ उसमें मेरे को एक सेक्टर जाना है, और एक सेक्टर मतलब मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, दूसरा सेक्टर मेरे को डेड हेड आना है, मतलब कि बैठ के आना है पैसेंजर सीट पे। तो इसमें क्या होता है ना कि एयरलाइन हमें खुद से अपनी तरफ से टिकट प्रोवाइड कराती है, बोर्डिंग पास प्रोवाइड कराती है। वो हो सकता है कि हमारी एयरलाइन का हो या फिर कोई और एयरलाइन, अगर हमारी एयरलाइन की फ्लाइट वहां से नहीं है उस टाइम पे तो किसी और एयरलाइन का देगी, अदरवाइज हमें होटल देगी, तो कुछ ऐसा करती है। मोस्टली हमारी एयरलाइन का ही टिकट होता है वो। तो आज भी मेरा मेरी एयरलाइन का टिकट है, बस मेरे को एक सेक्टर करके आना है, एक सेक्टर में कुछ हॉल्ट है कुछ देर का, उसके बाद हम मेरे को और कैप्टन को बैठ के आना है बस। हमें खुद से पर्सनली ट्रैवल करना है तो भाई उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है, हमारी टिकट्स होती हैं फ्री बिल्कुल, जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो बस हमें थोड़ा सा एयरपोर्ट टैक्स देना होता है, वो पे करो और वहां से अपने पोर्टल से, अपने पर्सनल पोर्टल से जो हमारा होता है क्रू का, उससे बुक करो और भाई कहीं पे भी ट्रैवल करो। और एक और तरीका होता है वो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैंने एक वीडियो में पहले बता रखा है, अगर आपको जानना है तो वो वाली, क्योंकि जो लोग कंटिन्यू वीडियो देखते हैं उनको पता है भाई, और जो नहीं देखते हैं तो पीछे जाके देख लो। तो यार उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा, पसंद आया होगा क्योंकि आपने देख लिया है। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई टाटा बाय बाय, टेक केयर।